और इस बीच एक बड़ी खबर, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई ने मारा छापा। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने आईआरसीटीसी घोटाला यानी जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में कार्रवाई की है। इससे पहले आईआरसीटीसी घोटाला मामले में कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित 14 आरोपियों को समन जारी कर 15 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। ये समन ऐसे वक्त पर जारी हुआ है जब लालू सिंगापुर में हाल ही में गुर्दा बदलवाकर स्वदेश लौटे हैं। रेलवे में नौकरी के बदले रिश्वत में जमीन लेने के आरोपों के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। एजेंसी ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। इस मामले में लालू यादव के करीबी व पूर्व विधायक भोला यादव और हृदयानंद चौधरी भी अभियुक्त हैं। आरजेडी नेता लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को सीबीआई ने 27 जुलाई को गिरफ्तार किया था। भोला 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी थे। चार्जशीट दाखिल होने के बाद उस पर संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुल 14 लोगों को समन भेजा है। 15 मार्च को कोर्ट सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू करेगा और उसके बाद आरोप तय किए जाएंगे।